नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आप लोगों का टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों के लिए अब एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नया नियम लगाया हुआ है, तो उसका अभी ऑफिशियल सिलेबस भी उन्होंने अभी नहीं बताया है। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं उनको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और बहुत लोगों के लिए टेंशन ये थी कि वो लोग क्या पढ़ें अब ना, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उन लोग का दिमाग इधर उधर होने लगता है कि यार क्या पढ़े, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कौन सी चीज़ शुरुआत करें। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, तो आज हम मैथ के बारे में बात करेंगे कि हम लोग मैथ में अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, चाहे जो भी सिलेबस हो। और लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ ली है इसमें से 100% कुछ इस सारी चीज़ें आएंगी तो आएंगी, ये सब तो आएंगी उसमें, और बाद में अगर कुछ ऐड होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो इतनी चीज़ें तो आप लोग पढ़ ही डालिए, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इतनी चीज़ें। तो अब पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो वो सब कैसे, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आपके आगे के एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहें। और जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अगर पढ़ लेंगे तो आपको सीटेट में मैथ्स में अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकाक दो चीज़ें अगर पढ़ेंगी तो मैं उसको अलग से आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया हूँ कि आप लोग कैसे कैसे पढ़िएगा। तो सबसे पहले जैसे सरली, अभी अगर हम इसमें से ये दोनों पार्ट को अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और चक्रवृद्धि ब्याज, या ब्याज, फिर उसके बाद अगर हम औसत ले लें और यहाँ तक ले लें साझेदारी तक, ठीक। उसके बाद कार्य समय ये ले लें, ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका आएगा यहाँ नाव तक, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके ये आपका आएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये दोनों अलग से आप पढ़ लीजिए। अब देखिए आपको क्या क्या करना है, किस टाइप से करना है। तो देखिए सबसे पहले सरलीकरण और संख्या पद्धति पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब आप सरलीकरण पढ़ लेंगे तो आपकी संख्या पद्धति उससे रिलेटेड सब तैयार हो जाएगी। उसके बाद है परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे देन प्रॉफिट लॉस आपको तैयार होगा, और प्रॉफिट लॉस तैयार होगा उससे आपका परसेंटेज से ही देखिए रिलेटेड होता है साधारण ब्याज तक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और अगर प्रॉफिट लॉस पड़े रहेंगे तो आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का भी इसमें ही फॉर्मूला बनता घटता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात आती है औसत की और अनुपात समानुपात की। अगर आप ये दोनों पढ़े रहेंगे तब जाके आप आयु संबंधी प्रश्न करते हैं, क्योंकि अब आयु संबंधित प्रश्न आपने देखा होगा तो उसमें कैसा रहता है कि ये रहता है ना कि अनुपात दिया रहता है या एवरेज दी रहती है, एवरेज आयु कितनी है या अनुपात, ये दो लोगों का अनुपात कैसा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साझेदारी में भी क्या होता है, अनुपात का ही प्रश्न आता है और औसत का प्रश्न आता है साझेदारी में। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। मैं जितने भी बॉक्स बनाया हूँ सब आपको अलग अलग पार्ट में ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे ये 4 है और ये 5, ठीक है। ये पाँच चीज़ें आपको पाँच पार्ट में इसको पढ़नी है। अब आप लोग अपना दिन डिसाइड कर लीजिए किस टाइप से पढ़ना है। तो ये सारी ऐसे चीज़ें पढ़नी, फिर यहाँ पे आगे आता है जैसे कार्य तथा समय और चाल तथा दूरी, कार्य तथा समय तथा चाल तथा दूरी, और इधर है आपका रेलगाड़ी, नाव धारा, फिर उसके बाद है मिश्रण और क्षेत्रमिति। तो इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो आप लोग अब पढ़ने का शेड्यूल आप लोग अपना सेट कर लीजिए और अब रेगुलर पढ़ा कीजिए। और बात ये कि आप लोग जो पढ़िए उसको अच्छे से एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कीजिए और उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि अभी आपके पास समय अच्छा है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और फालतू बैठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग फालतू बैठेंगे टाइम वेस्ट होगा, और वैसे भी हम लोग अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अगर अभी हम लोग छोड़ देंगे पढ़ना तो हम लोग की फिर से आदत ख़राब हो जाती है। ऐसा होता है ना, जैसे एग्ज़ाम आता है तो लोग थोड़ी सी आलस करने लगते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कि अब कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म ही हुआ है, अब अभी नहीं पढ़ना, ये थिंकिंग सबसे बेकार है। देखिए अगर आप लोग पढ़ना छोड़ दोगे इकट्ठा तो क्या हो जाएगा, अगर आप जब दोबारा पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो फिर से आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अभी आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए हुए हो, आप लोग अगर कंटिन्यू अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा, वे रिदम बनता चला जाएगा ना, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा। नहीं तो अगर ऐसे आप लोग छोड़ दिए हो, मतलब छोड़ दोगे फिर आगे पढ़ते चले जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी समय मत गवाइए,
अगर हाँ मान लीजिए कि अगर आपको कोई थोड़ी सी रेस्ट चाहिए तो उतना जितना मत पढ़ो कि 12 घंटा 13 घंटा पढ़ो उतना मत पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे जितना पढ़ सकते हो नॉर्मली पढ़ो, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ देना, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। उसके बाद जैसे अभी आप लोग का कुछ भी जैसे फेस्टिवल है उसको आप लोग सेलिब्रेट करो, उसके बाद एकदम कंटिन्यू एकदम लग जाओ कि हमको अब अच्छे से इसको पढ़ना ही है। अब हम लोग क्या कहते हैं शुरू से स्टार्ट करेंगे, जैसे सरलीकरण है संख्या पद्धति से हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्टिंग करेंगे, एक एक चैप्टर को पकड़ के पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। आई होप कि आपके एग्जाम आते आते बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आप लोग कॉपरेट कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, कबीरदास जी को याद कीजिए, उनका दोहा है ना, तो उसको याद कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डालिए उसको कमेंट में, जो भी पूछना हो मुझसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आंसर या इससे रिलेटेड कैसे पढ़ाई करें या क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाइए, डालते जाइए, जितने क्वेश्चन है कमेंट कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, और सी टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी भी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, उसके लिए भी मैं अभी आपको सिलेबस उसका दे दूंगा, और जिन लोगों को चाहिए वो लोग कमेंट में भी हमको बता दीजिए कि आप लोगों को किस टाइप का उसका प्रिपरेशन में मतलब ये चाहिए कि किस टाइप से पढ़ाई करें, उसका प्लानिंग चाहिए या नहीं चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बता दीजिए आप। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।